हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की सेकंड पोएम अ बॉय सॉन्ग को पढ़ेंगे। ये जो पोएम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा रचित है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे और रॉबर्ट ब्रूक के बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये। इस पोएम में, छोटी सी कविता में, कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया है आजादी का। किस तरह से आजादी हम इंसानों को ही नहीं बल्कि सभी एनिमल्स को बहुत ज्यादा पसंद है। कवि कहता है कि चाहे कितना ही छोटे से छोटा पक्षी क्यों ना हो और चाहे कितना ही बड़े से बड़ा पक्षी क्यों ना हो, उन सभी को अपनी आजादी बहुत प्रिय है। कोई भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। अब अपन लोगों को लॉकडाउन में घर पर रहना अच्छा थोड़ी लग रहा है, इसी प्रकार से इन पक्षियों को भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। इस कविता में कवि जो है अपने आप को एक छोटा बच्चा मान करके ये अपनी मन की बात कह रहा है। क्या कह रहा है? बिकॉज, क्योंकि आई सेट यानी लगाना नो स्नेयर, स्नेयर यानी पिंजरा, बट लीव छोड़ दिया है डैम, डैम यानी उनको, तो किनको? पक्षियों को। ये डैम जो है यहां पक्षियों के लिए आया है। फ्लाइंग यानी उड़ने देना, फ्री। क्योंकि, बिकॉज आई सेट, मैंने नहीं लगाया है स्नेयर यानी कोई भी पिंजरा, परंतु बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको छोड़ दिया है आजादी से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स यानी पक्षी, ऑफ द एयर यानी आकाश में उड़ने वाले यानी कि जो आजाद हैं, बिलोंग यानी है टू मी, मेरे यानी मेरा हक है उन पर। क्यों हक है? क्योंकि मैंने इनको आजाद छोड़ दिया है, इनकी आजादी में कोई खलल नहीं डाला है, इनको पिंजरे में बंद नहीं किया है। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी कि ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है, स्लो यानी कि जंगली बेर, प्लम टाइप से गोल एक फल, एक छोटी सी ब्लू टिट चिड़िया है, पंछी है, जो कि एक झाड़ी पर बैठा है और उसके फल खा रहा है। टू द ईगल ऑन द हाइट, और दूसरी तरफ ईगल जो है वो आसमान में ऊंचा उड़ रहा है, ईगल यानी बाज, अनकेज्ड आजाद है। दे कम एंड गो यानी उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फॉर माई डिलाइट, डिलाइट यानी जॉय, खुशी, और इनको देख करके मैं बहुत खुश हो रहा हूं। कहने का मतलब, छोटे से छोटा पक्षी जो कि ब्लू टिट है और दूसरी तरफ बड़े से बड़ा पक्षी जो कि ईगल है यानी कि बाल, दोनों ही आजाद रहना चाहते हैं, यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी पक्षी हो वो आजाद रहना चाहते हैं, चाहे वो आसमान में ऊपर उड़ रहे हों और चाहे वो किसी छोटी सी झाड़ी पर बैठे हों, इन सभी पंछियों को अपनी आजादी बहुत ज्यादा पसंद है। थर्ड स्टेंजा में देखते हैं, एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड यानी बहुत ऊपर सूरज की तरफ, आई सोर, सोर यानी सवारी करना, उड़ना, ऑन द ईगल्स विंग, ईगल वही बाज, विंग्स। अब क्योंकि पक्षी बहुत ऊपर, कई पक्षी जैसे कि ईगल है यानी कि बाज है, वो बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, सनवार्ड यानी सूरज, यूं लगता है जैसे सूरज से भी ऊपर उड़ान भर रहे हैं, तो कवि इन पक्षियों को इतना प्रेम करता है कि इसे फील हो रहा है कि वो भी उनके साथ उड़ रहा है, उड़ना, उड़ता हुआ महसूस कर रहा है। तो क्या कह रहा है कवि? एंड सो द सनवर्ड वे, सूरज की तरफ यानी ऊंचे उड़ने वाले पक्षी, आई सोर ऑन, मैं भी सवारी कर रहा हूं ऑन द ईगल्स विंग, यानी इमेजिन कर रहा है जिस तरह से पंछी उड़ रहे हैं, इसका मन भी उनके साथ उड़ रहा है। एंड इन माई हार्ट, मेरे मन में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, यानी मेरे दिल में उस नीले पंछी का, ब्लू टिट का गाना अभी तक आनंदित कर रहा है, मुझे, मेरे दिल में भरा हुआ है वो गाना। कहने का मतलब, कवि एक बर्ड वॉचर है और उनकी आजादी के बारे में वह कह रहा है कि उन्हें उसकी आजादी बहुत ज्यादा पसंद है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पक्षी को फ्री रहना बहुत पसंद है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमें किसी भी पंछी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिंजरे में अगर हम कैद करके रखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है।
इंग्लिश में एक बार हम इस पोएम की समरी को देख लेते हैं. द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स. द पोएम एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ द पोएट. द पोएट इज फुल ऑफ इंटेंस जॉय विच ब्रिंग्स फ्रॉम द रियलाइजेशन टू ऑल बर्ड्स एनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. From the green tree to the bright skies, all that birds belong to the poet. Because he does not set any kind of traps or snare or net, the poet successfully establishes an emotional bond with the birds. कहने का मतलब ये सारे के सारे पंछी इस poet के हैं क्योंकि इसने किसी भी प्रकार का कोई भी snare, कोई भी net नहीं लगाया है. और इसके इस कविता के द्वारा कवि हमें यही संदेश देना चाह रहा है कि हमें किसी भी प्रकार के पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि आज़ादी सबको प्रिय है. ईश्वर ने जब उनको पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए, पिंजरों में बंद रहने के लिए नहीं दिए. ये थी हमारी आज की कविता. अब इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दे रही हूँ बच्चों में तुमको और तुम इनको सॉल्व करने की कोशिश करना घर पर. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, नोट कर लो और इसका आंसर तुम अपनी ऑन लैंग्वेज में देने की कोशिश करना. व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू द पोएट. सारे के सारे बर्ड्स जो हैं पोएट के क्यों हैं? क्योंकि ही डज नॉट सेट एनी काइंड ऑफ स्नेयर, है ना. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई आर द बर्ड्स able to come and go? Why are the birds able to come and go for the poet joy? पंछी आ रहे हैं जा रहे हैं इन्हें देखकर poet खुश क्यों हो रहा है. Third question, which birds do the poet mention in the poem? पॉइट ने इस कविता में दो प्रकार के पक्षियों के बारे में बताया है, वो दो पक्षी कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा है, 50 वर्ड्स में तुमको लिखना है बेटा. समराइज द पॉइट्स व्यू एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. यानी कि समरी, अभी ये जो मैंने इंग्लिश में थोड़ी देर पहले बताई थी ना, ये इसकी समरी है, तो इसको तुम अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना. Thanks.